नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। स्टीफन हॉकिंस की का डेथ हुआ अभी रिसेंटली 14 मार्च को। वो कौन थे? वो एनलाइटेंड थे या जीनियस थे? ये एक सवाल मुझे लगा रेलेवेंट है और इस क्वेश्चन को बहुत लोग पूछते नहीं हैं और पूछेंगे तो बहुत लोग उसको तवज्जो नहीं देते। बट ये अच्छा क्वेश्चन है कि स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग, जितने भी जीनियसेस हुए हैं, साइंटिस्ट्स हुए हैं दुनिया में, वो लोग आप उनको क्या मानेंगे? उनको एनलाइटन मानेंगे जैसे गौतम बुद्धा थे, नानक थे, या उनको आप केवल समझदार मान लेंगे जैसे बाकी कोई भी समझदार होता है, जैसे कोई मैथमेटिशियन होता है, टेस्ला उसके लिए फॉर दैट मैटर, या जो भी लोग दुनिया में बड़े जीनियसेस होते हैं, इवन स्पोर्ट्स में या राइटर्स जो होते हैं, अपने आप में वो जीनियस होते हैं। आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते किसी और की, बट लोग फिर भी कंपेयर करना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम एक सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं, स्टीफन हॉकिंस शरीर से तो उनका पूरा बॉडी काम नहीं करता था, लेकिन वो पूरी दुनिया में रिनाउंड थे, बहुत फेमस थे और फाइनेंशियली और अदरवाइज भी वो काफ़ी सक्सेसफुल थे। तो ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो फटाफट कंपेयर करना चाहती हैं ये सक्सेस को उनके साथ, बुद्धा के साथ या एनलाइटन लोगों के साथ, क्योंकि हमारे लिए अल्टीमेट तो वही है। क्योंकि दुनिया सबको, सब सारी दुनिया बोलती है एनलाइटन लोग सबसे महान होते हैं, और हम जब इन जैसे लोगों को देखते हैं जो कि गॉड के बारे में थियरम्स बताते हैं कि गॉड, या टाइम के बारे में बताते हैं, जो कि भाई गौतम बुद्ध भी यही सब बातें करते थे कि टाइमलेसनेस, दुनिया में टाइम नहीं है और एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर टाइम का जोन ख़त्म हो जाता है। तो इन जब लोगों को की बातचीत हम सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि क्या दोनों एनलाइटन हैं, या कौन जीनियस है, या क्या है। यहाँ पर जनोगा एक बहुत ही सिंपल शब्द यूज़ करती है, मैं चाहूँगा आप उसको यूज़ करें और उसके ज़रिए आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। देर इज़ अ स्पेशल टर्म कॉल्ड एज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये मुझे बहुत हेल्प करता है समझने में किसी भी बंदे को। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ठीक वैसे ही होती है जैसे कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी, आप बल्ब को थोड़ा तेज़ जलाइए तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। पंखे की स्पीड बढ़ाइए तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उसकी पहुंच उतनी ही ज़्यादा दूर दूर तक रहेगी। अब गौतम बुद्ध जैसे लोगों का जो ब्रेन है वो सेक्शन 1 तो डेवलप्ड हो ही चुका है, इसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 तक भी डेवलप हो चुका है। इसीलिए उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होने पर वो इस दुनिया की चीज़ों को समझ पाते हैं, साथ ही साथ मिस्टिकल वर्ल्ड को भी समझ पाते हैं और उसमें अपने आप को ऑपरेट भी करा पाते हैं। आइंस्टीन, गैलीलियो, स्टीफन हॉकिंस, न्यूटन जैसे लोगों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन ये सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 तक नहीं पहुंचे होते। इनका सेक्शन 1 बहुत हाईली चार्ज्ड होता है और इस दुनिया की चीज़ों को बहुत गहरे से लोग समझ पाते हैं, हमारी और आपकी गहराई से ज़्यादा। अब ये गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये मिस्टिकली अपने ब्रेन को डेवलप कर सकें, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की बात कर रहा हूँ मैं। चूँकि ये मिस्टिकली अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, इसीलिए जब इनकी डेथ होती है तो ये लोग दोबारा दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि इनका जो साइकी है, जो माइंड है, वो अभी भी एक पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा है, फिजिकल बॉडी की पर्सनैलिटी के। लेकिन एक बड़ी खास बात होती है, जो भी बहुत हाई इंटेंसिटी के लोग होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव लोग होते हैं जैसे स्टीफन हॉकिंस थे, और वहीं पर बहुत नेगेटिव लोग भी होते हैं जैसे कि टेररिस्ट होते हैं, कोई भी हिटलर मान लीजिए, उसके लिए इनकी भी बहुत हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। लेकिन ये सारे के सारे लोग अपने सेक्शन 1 पर ही लिमिटेड होते हैं, अपने माइंड पर ही लिमिटेड होते हैं, इस दुनिया के अंदर ही लिमिटेड होते हैं। इसके परे की कोई दुनिया है वो इन लोगों के लिए केवल थियोरी के फॉर्म में है, बस उसके बाद नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बहुत बहुत अच्छे से अपनी दुनिया को समझ रहा है, अपने खेल की दुनिया को समझ रहा है, या कोई खिलाड़ी है वो अपने खेल को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन उस खेल के बाहर की चीज़ों को अभी भी वो जानता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे और आपसे ज़्यादा बेटर नहीं है, वो जीनियस हैं, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से समझा है, और हम और आप अभी भी अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारी एनर्जी अभी भी ड्रेन होती जाती है हमारे रोज़मर्रा के इमोशंस में और कन्फ्यूजन्स में। और वहीं पर न्यूटन जैसे लोग, आइंस्टीन जैसे लोग, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग, उन्होंने अपने माइंड का कम से कम इतना तो सही इस्तेमाल सीख लिया है कि वो लोग, उनका एनर्जी एक जगह पर फोकस्ड होकर के स्टडी कर सकता है एक सब्जेक्ट को,
फिज़िक्स को, मैथमेटिक्स को, और उसके ज़रिए वो दुनिया को समझते हैं। तो डिफरेंस हमारे और स्टीफन हॉकिंग्स में तो बहुत ज़्यादा है। हम कॉमन मैन हैं, हमारी माइंड कन्फ्यूज रहती है, ड्रिफ्ट होते रहते हैं, और इनका ड्रिफ्ट होता है लेकिन ज़्यादातर माइंड उनका एक ही जगह पर फोकस्ड होता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स में और एक एनलाइटेंड आदमी में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक एनलाइटेंड आदमी अपनी चॉइस से ही इस फिज़िकल वर्ल्ड में आता है, वेयर एज स्टीफन हॉकिंग्स जैसे लोग, वो लोग अपनी चॉइस से नहीं आते। आते हैं, जब भी आते हैं दुनिया में अपना छाप छोड़ के जाते हैं। कहीं मिस्टिकली लोग ये भी बोलते हैं कि स्टीफन हॉकिंस शायद गैलीलियो का पुनर्जन्म था, बिकॉज जिस डेट को आप विकिपीडिया में चेक करिएगा, जिस डेट को गैलीलियो की डेथ हुई थी, वो अपने ज़माने के बहुत जीनियस माने जाते हैं, उसी डेट को स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ था। तो कोई तरीका तो है नहीं प्रूव करने का कि वो और ये दोनों एक ही सोल थे या एक ही बींग थे, बट लोग मानते हैं। एक चीज़ और थोड़ा समझिए इसको, कि जिसने भी जिस फील्ड में मेहनत की है वही फील्ड पाएगा। बुद्धा ने, इसलिए बुद्ध कहते थे बार बार कि अगर तुम परमाणु को समझना चाहते हो, जीव जंतुओं को समझना चाहते हो, तो तुम उन्हीं को समझोगे, लेकिन अगर कोई अपने आत्मा को ऊपर समझना चाहता है तो उसको समझेगा, और जब खुद को समझेगा तभी आज़ाद हो सकता है। जब तक आप किसी और को समझने की कोशिश करेंगे, आप उसको भले समझ लें, लेकिन उसे आप अल्टीमेट फ्रीडम नहीं कह सकते। अल्टीमेट फ्रीडम के लिए तो आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ स्टीफन हॉकिंस को, बट गौतम बुद्ध और स्टीफन हॉकिंस में बहुत बहुत अंतर है। और मैं चाहूँगा, अगर कल किसी को अगर दो रास्ते हों, तो मैं बच्चे को यही कहूँगा, किसी भी बच्चे को किस पे जाना चाहिए, पहले तो उसकी चॉइस होगी कि उसको क्या करना है, उसकी अपनी संस्कार होंगे, अपनी वासनाज होंगी, बट अल्टीमेट इज फ्रीडम, अल्टीमेट इज एनलाइटनमेंट। थैंक यू। हम लोग जो अपना व्हाट्सएप आपके साथ शेयर करते हैं, उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि हम आपको कैसे अपने साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे आप हमारे साथ मिल करके पर्सनली सीख सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हम लोग करा रहे हैं। सबसे पहली प्राइम, इसमें कि हम आपको ढेर सारी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं उसको डिटेल में समझाते हैं आपको, और डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं, आप इसी व्हाट्सएप पर अपना एक करेक्ट करके बता दीजिए कि हमको प्राइम मेंबरशिप थी, तो वो सारी की सारी वीडियोज़ सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है बेसिक कोर्सेज। हमारे पास इस समय दो बेसिक कोर्स हैं, ज़ुलोगा बेसिक कोर्स जिसमें आपको स्पिरिचुअलिटी और अपने बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा, और दूसरा है एंटी फ्रेजाइल बेसिक कोर्स, जिसमें कि हम लोग बिजनेस और रिस्क टेकिंग के ऊपर बहुत ही डिटेल में आपको ट्रेन करते हैं, कैसे रिस्क लिया जाता है, कैसे अपने आप को बिजनेस में आगे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे साथ दोनों चीज़ों में सीख सकते हैं। थैंक यू।